जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फैज़ान मुराद। दोस्तों, क्या मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था या फिर मुसलमानों को अभी भी पाकिस्तान चले जानी चाहिए? भारत का जो मुसलमान है, क्या उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? दोस्तों, ऐसे ही नफरत आजकल स्कूल और कॉलेज में बहुत ही तेज़ी से फैलता हुआ मिल रहा है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जिस तरह से तृप्ता त्यागी नाम से एक टीचर हिंदू बच्चों के जरिए मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये पहली बार ऐसा नहीं किया गया। अब फिर से एक दिल्ली का एक सरकारी स्कूल है, जो कि गांधीनगर के कैलाश नगर का एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे एक मुस्लिम बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, जो कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोशिया है जी। क्या हुआ था? सर, मेरा जो भाई है फरहान अंसारी, वो 9A में पढ़ता है, और जिसकी क्लास टीचर का नाम हेमा गुलाटी है। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल चांद पे पहुंचा था, उस दिन उन्होंने चंद्रयान के बाद दीन के बारे में बातें करी। दीन के बारे में ये बात की कि मुसलमानों ने देश आज़ाद नहीं करवाया, उनका कोई योगदान नहीं है उसमें। मक्के का रंग तो काला अंधेरे की वजह से, और तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम जानवर को काट देते हो, और तुमने हर चीज तलवार से जीती है। ये सारी बातें इस स्कूल में होती है। ये कैसे शिक्षक है जो बच्चों को लड़ाई सिखा रही है? बेटा, दोस्तों, एक टीचर है जिसका नाम है हेमा गुलाटी। वो अब 9वीं क्लास के अपने बच्चों को जब चंद्रयान 3 जब सॉफ्ट लैंडिंग जब करा था, उसके बारे में कुछ जिक्र हो रहा था, उसी के बारे में बात करते हुए जो ये टीचर है, वो सरकारी स्कूल में बच्चे मुस्लिम बच्चे को साथ ये कहता है कि तुम लोग जो मुसलमान हो, तुम लोगों का इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम लोगों का इस देश में कोई भागीदारी नहीं है, ना ही आज़ादी में भागीदारी है, ना ही देश का किसी भी चीज़ में तुम लोग अभी तक कोई हिस्सा ली हो, और तुम लोगों को तो पहले ही पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अभी भी क्यों हो, अभी भी तुम लोगों को पाकिस्तान चले जानी चाहिए। और ये जो तुम लोग काबे में जा करके ब्लैक कलर का, जो काले कलर का गिलाफ को तुम लोग चारों तरफ से घूमते हो, ये तो सरासर गलत है, इसका कोई मायने ही नहीं बनता है। और जो कुर्बानी के नाम पे जो तुम लोग गाय को काटते हो, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों, जो स्कूल होता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, बच्चों को कुछ सिखाने की चीज़ होती है, बच्चों को कुछ नया नया सिखाने की जगह होती है, वहाँ से बच्चों को तराश करके देश के लिए आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल देश में स्कूल और कॉलेज में जोंबियों के तरह ये हिंदू जो टीचर हैं, इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले कई और बार ऐसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात सोच सकते हैं कि क्या मुसलमानों को सच में पाकिस्तान चले जानी चाहिए? क्या मुसलमान सच में हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया है? देश के मुसलमान हिंदुस्तान के आज़ादी में कोई भागीदारी नहीं रही है? क्या देश के उन्नति के लिए मुसलमानों को कोई भागीदारी नहीं रही है? लेकिन दोस्तों, सोच सकते हैं, ये जोंबियों जैसी माइंड सेट वाली ये जो टीचर हैं, सो कॉल्ड जो टीचर हैं, वो बच्चों को किस तरह से प्रताड़ना करते हैं, और बच्चों के, हिंदू और मुस्लिम बच्चों के बीच में किस तरह से एक मज़हब के खिलाफ एक परसेप्शन बनाता है, एक माइंडसेट बना करके धर्म के खिलाफ किस तरह से उकसाने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह से बच्चों को पीटा गया, और अब मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे भी इसी तरह का एक घटना आया था। एक जो लड़का है जो स्टूडेंट है, उसको अपने उसके क्लास के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग जो मुसलमान हो, तुम लोग तो आतंकवादी हो, तुम लोग तो कसाब के फैमिली से आते हो। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है वो रुका नहीं, वहीं पे टीचर से लड़ने लग गया, वहीं पे टीचर से बहस करने लग गया कि हम लोग क्यों आतंकवाद है, क्या मुसलमान होना गुनाह है देश में, क्या मुसलमान होना देश में गुनाह है, क्या देश में रहना मुसलमानों का गुनाह है, क्या हम लोगों का ये देश नहीं है? लेकिन दोस्तों, सोच सकते हैं कि आजकल के स्कूल और कॉलेज में किस तरह से जोंबियों जैसी माइंडसेट वाले ये अनभक्त, ये टीचर, सो कॉल्ड टीचर, जिसको पढ़ाने का काम होता है, आज नफरत फैलाने के काम करता है, और हिंदू मुस्लिम जो बच्चे होते हैं उसके बीच में किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों आप सोच सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।